रेस्ट बाय वुल्फ जो कि रिलीज हुई HBO Max पे। अगर आप इंडिया में रहते हो मेरी तरह तो ये सीरीज आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन कुछ डाउनलोडिंग साइट्स पे ये सीरीज अवेलेबल होने की वजह से हम लोग इसे डाउनलोड करके डेफिनेटली देख सकते हैं। लेकिन कैसे और कहां वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन है उसे भी कर देना प्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बात करेंगे इस वेब सीरीज की, तो इसमें आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज हुए, जिसके हर एक एपिसोड 41 मिनट से लेके 53 मिनट के बीच में ये। और ये सीरीज आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा, ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। बात करेंगे सीरीज के प्लॉट की। कहानी शुरू होती अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बाद दो एंड्रॉइड्स को एक टास्क सौंपा गया कि कुछ इंसानी बच्चों को तुम्हें एक मिस्टीरियस प्लैनेट जिसका नाम है Kepler-22b वहाँ पर उन लोगों को बड़ा करना है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि उस प्लैनेट के टेम्परेचर की वजह से, या तो कह सकते हैं क्लाइमेट की वजह से, बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही बच्चा बचता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक आर्क शिप जिसे हेवन भी कहा जाता है, जिसमें कुछ बचे हुए ह्यूमंस होते हैं, वो लोग इस प्लैनेट पे लैंड करते हैं। और उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। देखिए आप 3 एपिसोड देखा तो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुल मिला के इतना कह सकते हो कि यहाँ पर आपको एंड्रॉइड्स देखने को मिलेंगे, ह्यूमंस देखने को मिलेंगे, कुछ एलियन टाइप मॉन्स्टर क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, और साथ साथ आपको एक मिस्टीरियस प्लैनेट भी देखने को मिलेगा। और उसके अलावा सीरीज एक और चीज पर फोकस करती है, रिलीजन वर्सेज नॉन रिलीजन, यानी कि नास्तिक वर्सेज बिलीवर्स पर। लेकिन अभी फिलहाल तो सिचुएशन बैलेंस में चल रही है, लेकिन देखना कि आगे चल के सिचुएशन क्या मोड़ लेती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। सीरीज में सिर्फ 3 ही एपिसोड होते, इस वजह से काफी क्वेश्चन रह गए, जैसे इन एंड्रॉइड्स का आखिर मकसद क्या है, इन बच्चों को यहाँ पर बड़ा करने का इसके पीछे की वजह क्या, और साथ साथ इन एंड्रॉइड्स को आखिर किस मकसद से बनाया गया था। उसके अलावा जो इंसान बच चुके, जो सरवाइव कर चुके, तो वो लोग आगे क्या करेंगे, इस तरीके से इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे, या उनके साथ क्या कुछ होगा, यानी कि अभी बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी जो हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर जो मदर का कैरेक्टर है, 3 ही एपिसोड में हमें उस कैरेक्टर में जो शेड्स देखने मिले ना, वो पूरी तरह से आपको शॉक कर देंगे। उसके अलावा अगर मार्कस के कैरेक्टर की बात करेंगे, जिसका यहाँ पर रोल प्ले किया ट्रेविस फिमेल ने, वो कैरेक्टर के बारे में जो शॉकिंग चीजें अभी फिलहाल रिवील हुई है, तो इससे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले एपिसोड में हमें उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में भी काफी कुछ शेड्स देखने को मिल जाएंगे। फिर जो दूसरे कैरेक्टर्स बताए उनमें भी काफी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें शो में देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी की, तो यहाँ पर एक ही चीज कहनी पड़ेगी कि रिडली स्कॉट सर की जो भी मूवीज होती है उसमें जो सिनेमेटोग्राफी होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है, एक अलग दुनिया हमें अपनी मूवीज के जरिए बताते ना, वो सिर्फ वो ही कर सकते हो। जिस तरीके से इस शो में हमें वॉयलेंस देखने को मिलता है और जो क्रीचर्स बताए गए ना, वो मतलब यार आउटस्टैंडिंग है। बात करेंगे यहाँ पर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अभी 2 लोगों का नाम लूंगा, एक तो ट्रेविस फिमेल जिसने यहाँ पर मार्कस का रोल प्ले किया, और दूसरा अमेंडा कॉलिंस जिसने मदर का रोल प्ले किया। उन दोनों की एक्टिंग यहाँ पर बहुत ही शानदार लग रही है। और हाँ, अबू बकर सलीम जिसने फादर का रोल प्ले किया, तो उनका परफॉर्मेंस डिसेंट लग रहा है। जितने भी चाइल्ड एक्टर्स है वो लोग भी फिलहाल अभी ओके ही नजर आ रहे हैं। बात करेंगे शो की बीजेम की, जो काफी इम्प्रेसिव है। और इस शो की एक चीज मैं आपको और मेंशन कर दूं, वो ये है कि 3 ही एपिसोड में आपको जो वॉयलेंस देखने को मिल रहा है ना, वो डेफिनेटली आपको गूज़बम्प्स लेकर आ जाएगा। आप लोग यकीन नहीं करोगे, जो अमाउंट ऑफ वॉयलेंस मैंने इस शो में अभी फिलहाल देख लिया है, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको स्टार्टिंग के 3 एपिसोड में इतना कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि येट अगेन ये शो को मस्ट वॉच बनाता है। उसके अलावा बात करेंगे इस शो की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो अभी फिलहाल मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है, और जो शो की पेजिंग है वो भी इतनी स्लो है नहीं। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये फिलहाल तो एक वॉचेबल शो है। अगर आप लोग चाहते हो इस शो को देखना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम अकाउंट की लिंक दी है, तो वहां पर मैं इन 3 एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके जरूर देख लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।